सारे ही साड़ी आस्था का केंद्र साड़ी श्रद्धा का केंद्र भजन बंदगी तपस्या करने वाली रूहां का बहुत ही पवित्र स्थान उदासीन आश्रम डेरा रामसर मानसा विखे आपां सारे ही साडे सत्कार जो गुरु समान श्रीमान मान सुखदेव मुनि जी महाराज उन्हां दे शुभ आशीर्वाद दे नाल हर साल की तरह साडी ब्रह्मलीन श्रीमान एक सवर्थमान कृपाल मुनि जी महाराज अते साडे परम तपस्वी श्रीमान मान बलवंत मुनि जी महाराज उन्हां दी निघी अते पवित्र याद नूं मनाउंदे होए परसों तो दिन तो लैके श्री खंड पाठ जप जप प्रारंभ होए उन्हां दे अज सुबह भोग पाए। चाहे तुसीं सारे जानते हो कि महाराज जी का बड़ा वड्डा उपराला कह दिए आशीर्वाद कह दिए उन्हां दी कृपा कह दिए सन 1991 तो लैके अखंड पाठां दी जिहड़ी लड़ी है वह निरंतर इस स्थान पर चल रही है ते अज भी उस तरह लड़ी अगे भी चलती रहनी है। बड़ा बड़ा परोपकार इस मानसा नगरी के उपर महापुरशां दा हमेशा रहा भी है ते रह भी रहा है क्योंकि जिथे कृपाल मुनि जी महाराज वर्गे तपस्विया ने तप किया होवे साधना की होवे भजन किया होवे वंदगी की होवे उस स्थान ते जाण दा उस स्थान ते घड़िया दो घड़िया बतीत करके सत्संग करन दा सत्संग सुनन दा महाराज जी की बाणी पढ़न दा महाराज जी की बाणी सुनन दा सजनों जिहड़ा उहदा फल है वह एक नहीं हजार गुणा प्राप्त होंदा क्यों क्योंकि महापुरशां ने इस जगह ते तपस्या भजन वंदगी दे नाल जिहड़े उन्हां दे कण ने उस तपस्या दे उस भजन दे अज भी इस जगह दे विच मौजूद ने ते जदों भी तुसीं श्रद्धा दे नाल प्रेम दे नाल इस स्थान ते आके नमस्कार कर दिओ डंडौत कर दिओ सच्ची ते सुची श्रद्धा दे नाल जो इत्थों मंगदे हो तुहानूं प्राप्त हुंदा है क्योंकि साधु संतां दे जिहड़े सजनो तप कर्म साधना कीती हुंदी आ इक नहीं हजारां सालां तक उस स्थान ते उसे तरह विराजमान रहिंदी है ते हर साल महापुरश तुहाडे ते बड़ी कृपा साडे ते बड़ी कृपा करदे आ जिथे सानू संतां दे नाल संतां दे दर्शन दीदारे कराउंदे आ उत्थे ही जिहड़ा सत्संग करा के संतां दी बाणी करा के साडे मन तन नू एक नवीं ऊर्जा एक नवीं पौष्टिक खुराक दिंदे आ क्योंकि जिद्दां साडे शरीर नू सजणों भोजन दी साडे शरीर नू दुध पाणी दी जरूरत है उसे तरह जिहड़ा इस शरीर दे नाल इक सूक्ष्म शरीर है जिहनू आत्मा कहिंदे आ ते आत्मा नूं वी उहदी खुराक है जिहड़ी उहदी रूह दी खुराक है वह आ सतसंग है वह भजन है वह वंदगी है।